हेलो एंड वेलकम यार। हमारे पास कई बार क्या होता है कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, उनमें से कौन कौन से रखने चाहिए, कौन कौन से नहीं रखने चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी से। तो सबसे पहले जाना है हमें यहाँ पे नीचे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे सेटिंग में जाना है, और सेटिंग ओपन होते ही हम यहाँ पे जाना है ऐप्स में। हमारे सिस्टम में जो भी ऐप्स या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं वो सब यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। और अगर हमें किसी को भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस कि यहाँ पे सर्च करना है उस सॉफ्टवेयर का नाम, और इस पर क्लिक करके उस पर आ जाएगा इंस्टॉल का बटन। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके फिर एक बार इंस्टॉल करना है, और अगर वो पूछेगा कंफर्म करने के लिए तो हमें इंस्टॉल बस क्लिक कर देना है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर भी कर सकते हैं अपने डिस्क के हिसाब से, कि अगर कोई लोकल डिस्क सी में है या फिर डी में है या फिर ई में है, जो भी हमारे डिस्क है उसमें से कहाँ कहाँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, ये सब हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम साइज़ के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद छोटे छोटे होते होते वो नीचे को जाएंगे, या फिर हम कर सकते हैं उसे इंस्टॉल डेट के हिसाब से। जो हमने रिसेंटली करा है वो हमें सबसे ऊपर दिख जाएगा, और सबसे जो जो सिस्टम के साथ आते हैं पहले से वो सबसे नीचे होते हैं, और जो हमने अभी अभी करे होते हैं इंस्टॉल वो सब ऊपर आते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अभी भी ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे थे, तो उनमें से जो भी हमें इंस्टॉल करना है उन्हें बस हमें क्लिक करके और इसमें हमें इंस्टॉल का बटन दबाना होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देख डालो।